भाटिया, बागेश्वर अपनी जो इस वक्त है जो कैंडल्स बनाती है जिसका 350 करोड़ रुपए सालाना जिसकी इनकम है, जिसमें 9000 से ऊपर कर्मचारी काम करते हैं, ये उसके मालिक हैं। और इन्होंने शुरुआत की थी सड़क पर, महाबलेश्वर के गुजरात और महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पर सड़क पर बाजार में कोने में खड़े होकर वो सिर्फ छोटी छोटी मोमबत्तियाँ बेचते थे। इसलिए मुझे लगा कि मैं इनकी स्टोरी आपको सुनाऊँ, क्योंकि इसको सुन पढ़ करके मैं खुद मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। मुझे लगा ऐसे ऐसे लोग काम कर सकते हैं जो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा आपको भी सुनाती हूँ। तो आपको बताऊँ कि ये जो आवेश भाटिया है, ये इनका जो जन्म है ये 29 दिसंबर 1970 में हुआ था महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर एक जगह है वहाँ पर। इनके पिता वहाँ एक गेस्ट हाउस के केयर टेकर थे। ये अपनी माँ से बहुत प्रभावित थे, पर इनकी माँ को कैंसर था। बागेश भाटिया जी जब पैदा हुए थे तो ये जन्म से अंधे नहीं थे, पर इनको एक बीमारी थी जिसमें रोशनी बराबर आँखों की कम होती जानी थी, और ये तय था कि एक दिन वो आँखों की रोशनी चली जाएगी। तो ये इनकी पूरी तरह से वो रोशनी 23 साल की उम्र में गई। जब ये नौकरी कर रहे थे एक होटल में, ये मैनेजर थे, और जब इनकी रोशनी चली गई उस समय ये बहुत मुश्किल से पैसा बचा रहे थे माँ के इलाज के लिए, क्योंकि पिता की इतनी इनकम नहीं थी, उससे केवल घर का खर्चा चलता था। तो ऐसे में जब इनकी आँखों की रोशनी चली गई तो इनको उस नौकरी से भी निकाल दिया। माँ कैंसर से पीड़ित थी, इनको नौकरी से निकाल दिया गया, इनकी आँखों की रोशनी भी चली गई, पर ये इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी चूँकि दिखता बहुत कम था तो लड़के इनको चिढ़ाते थे, अंधा लड़का ऐसे कहते थे। तो ये बेचारे घर आकर के बहुत रोते थे और माँ से कहते थे कि मुझे इस तरह से लड़के चिढ़ाते हैं। तो आप उनकी माँ की समझदारी देखिए, वो कहते थे कि वो इन्होंने कहा ये लड़के बड़े क्रूर हैं, बहुत क्रूर है जो मुझे अंधा लड़का कहते हैं। तो माँ ने कहा ये लड़के क्रूर नहीं है, ये तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, और चूँकि तुम इन सब उनसे अलग हो तो ये तुम्हारे दोस्त नहीं बन पाते हैं और निराश हो जाते हैं, तो ये बदमाशी इसलिए करते हैं कि तुम्हारा ध्यान आकर्षित हो उनकी तरफ, तुम जाओ और उनसे उनके पास दोस्ती का प्रस्ताव लेकर जाओ। और यही हुआ कि जब ये बाद में फिर उन लोगों से मिले, उनके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा, कहा मैं तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ, तो वही लोग इनके बहुत अच्छे दोस्त हो गए, जो लाइफ में उनके दोस्त बने रहे, जो इनको अंधा लड़का कह करके चिढ़ाते थे। हुआ ये कि फिर धीरे जब इनकी रोशनी चली गई, उन्होंने माँ को खो दिया, तो और इनके पिता के पास पूंजी सब खर्च हो चुकी थी, जो उसका वो माँ के इलाज में खर्च हो चुका था। तो इनको एक बात याद आई, माँ ने मरने से पहले कहा क्या हुआ अगर तुम दुनिया को देख नहीं पाते, क्या हुआ कि तुम दुनिया को नहीं देख पाते, तुम कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें देखे। बस इन्होंने इसी बात को पकड़ा और ये उस कुछ की तलाश में निकल पड़े कि क्या कर सकता हूँ कि मुझे दुनिया देखे। और इन्होंने इनको बचपन से ही शौक था पतंग बनाने का, मिट्टी के खिलौने बनाने का, तो ये उस तरह की चीज़ें बनाते थे। तो इन्होंने ये सोचा क्यों ना मोमबत्ती बनाना शुरू किया जाए, क्योंकि कहीं मोमबत्ती बनाने के पीछे इनकी एक आकांक्षा थी कि प्रकाश फैलता है मोमबत्ती से, तो दुनिया में प्रकाश फैलाओ, प्रकाश फैलाने का जरिया बनो। तो इन्होंने सोचा कि मोमबत्ती बनाना मैं शुरू करूँ, पर मोमबत्ती बनाने के लिए मोम की ज़रूरत थी, इसके लिए सांचे भी चाहिए होते थे, तो इनके पास इतना पैसा भी नहीं था। तो इन्होंने कुछ समय किसी होटल में मसाज का काम किया और उससे जो पैसे थोड़े बहुत बचाए, पैसे में हज़ारों में नहीं बचा लेते, 5 किलो मोम खरीदने में कितना होता है, इतना भी पैसा नहीं था इनके पास। तो इन्होंने मसाज किए, उससे पैसे बचाए, तब इन्होंने 2 किलो मोम खरीदा, एक छोटा सा मोमबत्ती बनाने का साँचा खरीदा और इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की। इनको बस एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है। 1999 में इन्होंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड बॉम्बे से ट्रेनिंग ली मोमबत्ती बनाने की, इनको वहाँ पर मोमबत्ती बनाने, इनको वहाँ की बस सारी मोमबत्ती बनाना सिखाया गया था। ये रात में मोमबत्ती बनाते, फिर
होने पर एक गाड़ी खड़ी रहती थी, उसमें से बेच के वो गाड़ी उनकी एक दोस्त की थी जो उनसे 50 रुपये रोज लेता था कि मैं गाड़ी तुम्हें दूंगा मगर 50 रुपये रोज मुझे दोगे। जीवित थे पर अकेले थे और बहुत कठिन तरीका था। फिर अचानक उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सब चीज़ें अच्छी लगने लगी। एक महिला मोमबत्ती खरीदने आई, उनका नाम नीता था, उनसे इनकी बात हुई, वो इनसे बहुत प्रभावित हुई और ये उनकी उनकी उन्मुखता से उनकी जो लाइवलीहुड चीज़ थी उनमें जो जीवंतता थी उससे प्रभावित हुए। ये लोग बात करने लगे, अपनी अपनी बातें शेयर की और फिर जैसे कहते हैं दोस्ती वो प्रेम में बदली और उन्होंने विवाह का निर्णय लिया। इनके लिए निर्णय लेना आसान था क्योंकि इनके घर में कोई था नहीं, सिर्फ पिता थे। पर नीता जी के घर वाले तैयार हुए थे इस बात के लिए कि जो खुद बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है, समझदार है, ब्रेन भी है, सब कुछ है उनके पास, तो वो एक ऐसे व्यक्ति से शादी क्यों करे। पर बहुत ज़्यादा परिवार के विरोध के बावजूद इन लोगों ने शादी कर ली। आवेश भाटिया जी को ये लगता था कि वो जितने गरीबी में थे, आप सोचिए कि जिन भगवानों में वो खाना बनाते थे उन्हीं भगवानों में वो पिघलाते थे क्योंकि उनके पास दूसरे कंटेनर नहीं थे। तो उनको लगता था कि नीता जी आई है तो फिर अभी नाराज़ होगी। पर नीता जी ने कभी इस तरह की बातों को तवज्जो नहीं दी, वो आई ही उनकी ज़िंदगी में इसलिए थी कि उनके दुखों को साझा कर सके, उनके परेशानियों को साझा कर सके और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और उनको आगे बढ़ाए। तो नीता जी का समर्पण इतना ज़्यादा था भावेश भाटिया जी के लिए कि उन्होंने इन सब चीज़ों को दरकिनार किया। उन्होंने कहीं से एक दो महिला वाहन खरीदा, स्कूटी जैसी चीज़, और उस पर लेकर वो उनको चलती थी और वो घूम घूम करके बेचना शुरू किया। तो मोमबत्तियाँ जो थी उनकी बिक्री बड़ी बजाय एक जगह खड़े होने के। फिर उन्होंने उनका मन था कि वो सारी मोमबत्तियाँ ना बनाए, उनका मन था कि खूब सुंदर सुंदर कलरफुल मोमबत्तियाँ बनाए। अगर आप लोग देखेंगे देखिए ये भावेश भाटिया जी है इस वक्त, ये इनके आसपास मोमबत्तियाँ वगैरह जो बनी आप देखें डिफरेंट शेप में है, डिफरेंट शेप में ये बनाते ही है। वो नीता जी जो इनकी वाइफ है उन्होंने मिल करके अपने जीवन की यात्रा शुरू की। कि देखिए इसमें मोमबत्तियाँ ये रखी हुई दिखनी आपको डिफरेंट शेप में, किसी लड़की के शेप में, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के शेप में, जैसा कि अब आजकल आप लोग देखते होंगे बाजारों में एक से एक सुंदर शेप में, एक से एक बड़ी बड़ी हाइट की मोमबत्तियाँ जितनी भी बनाना चाहते थे। पर इनको लोन नहीं मिल रहा था, ये सब बनाने के लिए इनको लोन की ज़रूरत थी। जब भी ये किसी उद्योगपति के पास जाते, किसी बैंक में जाते, कोई देने को तैयार नहीं होता, सब लोग यही कह देते कि अरे आप तो अंधे हैं आप क्या करेंगे। तो इनको कोई फाइनेंस भी नहीं करता था। इनको फिर बीच में एक जगह सतारा बैंक से 15,000 रुपये लोन मिला। उस समय एक स्कीम थी गाइड लोगों की, इन्होंने उस 15,000 से 5 किलो मोम खरीदा, फिर कलर्स खरीदे और ये मॉल जाते हैं अपनी पत्नी के साथ और वहाँ रखी हुई महंगी मोमबत्तियों को छूते देखते और अंदाज़ा लेते कि किस क्या शेप है और फिर आकर के वो घर में वैसी बनाते थे खुद से बिना सांचे के और उसको सूंघते थे कि उनमें क्या फ्लेवर, उसमें जो सेंट होता था वो कैसा सेंट है। फिर बाज़ार में जाते थे उसी तरह का सेंट खरीद के लाते थे और करते थे और इस तरह से इन्होंने शुरू किया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त 350 करोड़ रुपये सालाना का टर्नओवर है, पूरी कंपनी है ये। इसके साथ ही साथ ये अपने ये नेत्रहीनों को इन्होंने अपने में वो दिया, रोजगार दिया। ये देखिए ये बना रहे हैं, इसमें सबके चश्मे लगे हुए, ये सब नेत्रहीन लोग हैं, उनके लिए कौशल विकास केंद्र खोला जिसमें बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और 9,000 लोग एक ये 9,000 तरह की डिज़ाइन की मोमबत्तियाँ बनाते हैं और इनके जो खरीदार हैं मैं आपको बताऊं कि वो रेडमैक्सी के अंबानीज हैं, नीता अंबानी ने इनको वो भी दिया हुआ है, पुरस्कार भी इनको दिया हुआ है। और बहुत बड़े बड़े लोग अमिताभ बच्चन जैसे लोग उनकी वो खरीदते हैं, मोदी जी ने उनकी बहुत सी कैंडल्स खरीदी, बहुत बड़े बड़े लोग भी अब इनका सामान जो है वो खरीदते हैं। रिलायंस, रेडमैक्सी, बिग बाज़ार, नरोदा, रोटरी, लायंस क्लब, ये सब इनके जो है वो खरीदते हैं। नीता जी ने साइड बाई साइड नेत्रहीन लड़कियों के लिए खोला,
कि वो उनको ट्रेनिंग देती है। अच्छा, ये तो हुआ भावेश भाटिया जी का एक एस्पेक्ट, पर ही बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं। आपको बताऊं, शॉट को डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो में बहुत अच्छा खेलते थे ये, और उनके पास 109 पदक हैं इनसे रिलेटेड। तो अन्य होने के बावजूद इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करना और साथ में स्पोर्ट्समैनशिप भी उनमें थी, तो उन्होंने इतने पदक हासिल किए। दूसरी चीज़, ये 500 पुशअप्स रोज करते हैं और ये रोज 8 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो भाई दौड़ते कैसे हैं? उसका तरीका ये था कि नीता एक वैन खरीदी इन्होंने, तो नीता जी वैन से एक रस्सी बांधती थी जो 15 फीट लंबी होती थी, उसका दूसरा सिरा भावेश भाटिया जी पकड़ते थे और फिर वो दौड़ते थे। उनकी दौड़ की जो उनकी दौड़ने की जो गति थी उसी स्पीड से नीता जी वैन चलाती थी। तो इस तरह से वो रोज 8 किलोमीटर दौड़ते भी थे, मतलब दौड़ते भी है जिसको कहना है। और उनका लोगों ने मजाक में एक बात ये भी कही कि मैं अपनी पत्नी से ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं ऊंची आवाज़ में बोलता हूँ तो उनके वैन की गति जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो इनका ये चाहते हैं कि ये सबसे ऊंची मोमबत्ती बनाने का रिकॉर्ड बनाए। अभी तक जो रिकॉर्ड है वो 21 मीटर ऊंची मोमबत्ती का है, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरा इनका मन है कि ये एवरेस्ट पर चढ़े, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन व्यक्ति बने। उनका जो मैसेज है वो ये है कि आप वो काम करें जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि जो आपका दिल चाहता है जब आप वो काम करते हैं तो आप उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं, शौक से करते हैं, वो आपका शौक भी होता है, वो आपकी साधना भी बन जाती है। फिर वो अगर आपसे प्रोफेशन बना ले तो फिर क्या कहना है, जब इतनी चीज़ें मिल जाती हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इनके दो दोस्त भी थे जो जिन्होंने इनकी मदद की है। नीरज चंदन इनके दोस्त थे जिन्होंने गूगल पर एक साइट बनाई उनके लिए, उस पर विज्ञापनों का दौर चलाया और उसकी वजह से इनको ऑर्डर्स बहुत मिलने शुरू हुए। उनके पास जगह नहीं थी रहने की, फैक्ट्री डालने की, क्योंकि एक दोस्त ने इनको बहुत छोटा सा टुकड़ा दिया ज़मीन का, जिस पर दूसरा दोस्त जो बिल्डर था उसने एक कमरा बना दिया और फिर उन्होंने वहीं से अपना काम शुरू किया था। तो ये है कहानी भावेश भाटिया जी की, जो ब्लाइंड थे, जिन्होंने अपनी विकलांगता को जिसको कहते हैं ना अपनी स्ट्रेंथ बनाया और उसके बाद इतने ऊंचे तक वो पहुँचे। वो केवल एक बिजनेस मैन ही नहीं है, वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी है, क्योंकि वो बहुत से लोगों की मदद करते हैं, बहुत से लोगों की सहायता करते हैं, खास करके नेत्रहीनों के लिए। ये कुछ तस्वीरें आपको हमने दिखाई हैं, ये देखिए ये बनाते हैं कलरफुल बनाइए, देखिए इनको पुरस्कार दिया है नीता अंबानी जी ने। ये देखिए इनको बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अवार्ड 2014 का मिला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, प्रणब मुखर्जी जी ने दिया था। उसके बाद श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी इनको पुरस्कृत किया। इनको रोल मॉडल ऑफ दिव्यांग नेशनल अवार्ड भी मिला 2019 का। ये देखिए ऑनरेरी डॉक्टरेट इनको एंटरप्रेन्योरशिप में दी गई, एक्स इसरो चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने दिया इनको। ये देखिए बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अवार्ड भी 2008 का उनके हिस्से में आया। सोशल एंटरप्रेन्योर पुरस्कार भी इनको मिला, बाबा रामदेव जी ने दिया इनको। तो ये आने के पास सब है कि सारे अंग सही सलामत हैं, पूंजी है, बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं हो, पर जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास आँखें भी ना हो देखने के लिए, वो इस हद तक पहुँचे तो हम लोग सोच सकते हैं कि फिर कोई भी पहुँच सकता है, बशर्ते उसमें वही जुनून हो, वही लगन हो, वही मेहनत करने का मादा हो। दो लाइनें आपको सुना रही हूँ इन्हीं को समर्पित करते हुए भावेश भाटिया जी को, कि हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, जिंदगी देख मेरे हौसले कुछ से बड़े हैं। अपने हौसलों को ये ना बताइए कि आपकी परेशानियाँ कितनी
बड़ी हैं, अपनी परेशानियों को बताइए कि आपके हौसले कितने हैं।